हमारी जलवायु। बच्चों, क्या कोई बता सकता है कि मौसम क्या है? महोदय, मौसम मतलब हमारे वायुमंडल की स्थिति। बहुत अच्छा। मौसम मेलजोल है। एक विशिष्ट समय पर सूर्य की किरणों की तीव्रता, रात और दिन के तापमान, हवा की आर्द्रता का अंश, वायु की गति और वर्षा की तीव्रता, इन सभी का मेलजोल है मौसम। मौसम जगह जगह और समय समय पर बदलता है। जब हम एक विशिष्ट प्रकार का मौसम महसूस करते हैं, वो ऋतु कहलाती है। भारत में हमारे पास कई ऋतुएं हैं, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु। एक विशिष्ट जगह पर विभिन्न ऋतुओं का कुल असर जलवायु कहलाता है। विभिन्न स्थानों पर जलवायु विभिन्न है। समुद्र तट से नजदीक इलाके गर्म जलवायु महसूस करते हैं तथा पर्वतीय स्थल ठंडे होते हैं। जलवायु हमारे लिए कैसे महत्वपूर्ण है? पौधे और जानवर अपने विकास की आदतें और प्रजनन प्रणाली के लिए जलवायु पर आश्रित हैं। यह उनके बचने और बढ़ते रहने के लिए जरूरी है। हम सब विभिन्न ऋतुओं में प्रचलित मौसम के प्रकार को जानते हैं। अधिकांशतः यह मौसम की स्थिति साल दर साल बदलती नहीं है। फिर भी यदि जलवायु में किसी भी तरह के बदलाव से हमारी फसलें संभावित रूप से बर्बाद होगी। यदि तापमान सामान्य से अधिक हो जाए तो बर्फीले पहाड़ पिघलकर नदियों में बाढ़ लाएंगे, समुद्र तल बढ़ जाएगा और बहुत से गांव और शहर डूब जाएंगे। जलवायु परिवर्तन प्राकृतिक संपदा को बर्बाद कर देगा तथा अरबों लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त हो जाएगी। क्या समय समय पर जलवायु परिवर्तन होता है? हाँ, अभी ऐसा हो रहा है और इसीलिए हम भविष्य के बारे में चिंतित हैं। ऐसा क्यों हो रहा है महोदय? जलवायु परिवर्तन प्रदूषण के कारण सार्वभौमिक गर्मी की वजह से हो रही है। पेट्रोलियम और कोयले के जलाने से, जंगलों की कटाई से और आग उद्योग विभिन्न गैसों के छोड़ने के लिए जिम्मेदार हैं। जब ये गैसें सूर्य की किरणों के संपर्क में आती हैं तो वायुमंडलीय तापमान बढ़ जाता है। ये सार्वभौमिक गर्मी और जलवायु परिवर्तन करता है। हम कैसे सार्वभौमिक गर्मी और जलवायु परिवर्तन को रोक सकते हैं? हमें पुनः स्थापित ऊर्जा स्रोतों का बिजली, शक्ति और गर्मी उत्पादन के लिए उपयोग करना चाहिए। हम सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा और झरनों द्वारा बिजली उत्पन्न कर सकते हैं, ना कि पेट्रोलियम ईंधन या कोयला जलाकर। हम सौर कुकर से खाना पका सकते हैं। हम सौर ऊर्जा का उपयोग बल्ब जलाने के लिए भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि हम सौर ऊर्जा से गाड़ियां चला सकते हैं, पेट्रोलियम का उपयोग किए बिना। प्रदूषण करने वाले उद्योग बंद कर दिए जाने चाहिए। उन्हें प्रदूषण कम करने के लिए प्रत्यावर्तन प्रौद्योगिकी बनाने की सलाह देनी चाहिए। बड़े स्तर तक ये गर्मी और प्रदूषण उत्पादन को कम किया जा सकता है और सार्वभौमिक गर्मी और जलवायु परिवर्तन को रोका जा सकता है।